गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट जो वीडियो थी हमारी क्रॉस डेनेज पे मैंने आपको बताई थी, उसके अब हम टाइप्स पढ़ेंगे, यानी क्रॉस डेनेज के विभिन्न टाइप्स पढ़ेंगे, यानी किस किस तरीके से हम क्रॉस डेनेज या किस किस स्ट्रक्चर को बना के हम क्रॉस डेनेज कराते हैं। तो उसमें पहला है जो हमारा, वो है आपका जल सेतु या एक्वाडक्ट। जब हमारी नहर का, यानी के जब हमारी जो नहर है उसका जो आपका फुल सप्लाई लेवल है वो नदी के हाईएस्ट फ्लड लेवल से अधिक होता है, तब उस कंडीशन में हम एक्वाडक्ट बनाते हैं। एक्वाडक्ट का मतलब है नहर को नदी के ऊपर से क्रॉस कराना, यानी के किसी भी पुल या पुलिया के माध्यम से, नदी के ऊपर हम पुल या पुलिया बनाते हैं, उसके ऊपर से हम नहर को जो है वो क्रॉस कराते हैं। अब ये जो डक्ट होती है यानी एक्वाडक्ट होती है, ये दो या तीन प्रकार की हो सकती है। पहली तो हो सकती है आपकी डार्ट के शेप में, ठीक है, दूसरी हो सकती है स्लैब के शेप में, या तीसरी हो सकती है पाइप के शेप में। इन तीनों ही कंडीशन में, यानी के डक्ट में, स्लैब में और पाइप में, इन तीनों ही कंडीशंस में जो आपकी कैनाल होगी वो नदी के ऊपर से क्रॉस करेगी, यानी के जो नदी का आपका HFL यानी हाईएस्ट फ्लड लेवल होगा वो नहर के फुल सप्लाई लेवल से कम होगा, तब उस कंडीशन में ये वाला आपका एक्वाडक्ट या जल सेतु बनाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका साइफन। साइफन का मतलब होता है कि मान लो हमारी कोई नहर जा रही है और उसके बीच में आपका कोई नाला पड़ता है, यानी कि कोई छोटा सा आपका नाला है और उसको हमें क्रॉस कराना है, यानी कि उन दोनों का हमें क्रॉस ड्रेनेज कराना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, नाले को जहां पर वो नहर से मिलने वाला होगा, यानी जहां वो नहर को क्रॉस करने वाला होगा, उसके थोड़ा सा पहले क्या होता है, एक गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोद के जो नाले को होता है, जो नाले का स्तर होता है यानी कि आधार तक होता है, उसको और नीचा कर दिया जाता है, और उस गड्ढे में करके उस नहर के नीचे से उस नाले को क्रॉस करा दिया जाता है, यानी कि जो नाले का दूषित पानी है वो उस नहर के पानी में इंक्लूड या मिक्स ना हो, इसके लिए हम साइफन विधि द्वारा उस नाले को नहर के नीचे से क्रॉस करा देते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन होती है ऊर्ध्वलंघिका यानी सुपर पैसेज। सुपर पैसेज में क्या होता है, जो आपकी कैनाल होती है, कैनाल का जो आपका फुल सप्लाई लेवल होता है वो रिवर से कम होता है, यानी रिवर के HFL से यानी हाईएस्ट फ्लड लेवल से कम होता है, यानी कि अगर हम सीधे तौर पर बात करें कि नहर का जो आधार तल है वो नदी के आधार तल से कम होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, हम सुपर पैसेज द्वारा नदी को नहर के ऊपर से क्रॉस कराते हैं, यानी कि नहर को नीचा रखते हैं, यानी नहर को नीचे से अंदर करके रिवर के नीचे से क्रॉस कराते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि हम एक पुलिया का निर्माण करते हैं जिसके बीच में दो स्तंभ लगाए जाते हैं, यानी कि दो पिलर लगाए जाते हैं, उन पिलर के बीच में से नदी के किनारों को दृढ़ करके, यानी कि रिजिड करके और उन्हें पक्का बनाकर उसके नीचे से कैनाल को निकाला जाता है। कैनाल की जो बाउंड्रीज होती है उसको हम सीमेंट कंक्रीट द्वारा या सीमेंट मोर्टार द्वारा उसे हम पक्का कर देते हैं, यानी कि जो नहर के किनारे होते हैं उन्हें हम पक्का कर देते हैं, ताकि जो नहर है वो अपनी एक लिमिट में फ्लो करे, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है जिसमें कि हम कैनाल को रिवर के नीचे से निकालते हैं उसे हम कहते हैं सुपर पैसेज, ठीक है। उसके बाद आता है संपार यानी के लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग जो मेनली होती है वो आपकी जो आपके जब आपकी नहर और नदी का तल लगभग समान होता है उस कंडीशन में हम जो है लेवल क्रॉसिंग कराते हैं, यानी के दोनों के जो वाटर होता है, यानी के जो आपके नहर का वाटर हो गया और आपके जो रिवर का वाटर हो गया, ये मेनली उस कंडीशन में कराते हैं जब आपकी जो रिवर होती है उसका फ्लो यानी उसमें जो वाटर की क्वांटिटी है वो काफी कम हो, तब क्या करते हैं हम
के जो आपकी रिवर का वर्ड होता है उसे हम कैनाल में इंक्लूड कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है प्रवेशिका यानी इनलेट। जिस कंडीशन में यानी जिस पॉइंट पर रिवर का वाटर कैनाल के वाटर में एंटर होता है, यानी के रिवर का वाटर कैनाल के वाटर में इंक्लूड होता है, आके मिलता है, उस पॉइंट को कहते हैं हम इनलेट। और जिस पॉइंट पे से रिवर का वाटर यानी के जब आपका रिवर का वाटर कैनाल में इंक्लूड हो गया, उसके बाद क्या होता है कि हम थोड़ी दूर तक उसको फ्लो कराते हैं, यानी कैनाल के वाटर को और रिवर के वाटर को हम थोड़ी दूर तक फ्लो कराते हैं। उसके बाद अगर कैनाल का जो वाटर होता है यानी कैनाल का जो फुल सप्लाई लेवल होता है वो बढ़ता है, तो हम क्या करते हैं उसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है रिवर का उसे हम आउटलेट द्वारा निकाल देते हैं। तो यही होता है आपका आउटलेट। इसके आगे के टॉपिक हम आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।